डियर स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में एट्थ क्लास की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर एट को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर एट इक्वेशन रेड्यूसीबल टू द लीनियर फॉर्म We have learnt about solving the linear equation. हम linear equation को किस तरह से solve करते हैं ये सब कुछ हम सीख चुके हैं But there are equation which are not in linear form. लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसी equations दी गई हैं जो कि linear form में नहीं हैं So in this worksheet we will understand how to convert these equations into linear form. तो यहाँ पर हम यह बात understand करेंगे कि किस तरह से Uh, मतलब इन इक्वेशंस को हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं देखिए जैसे लेट अस ऑब्जर्व द इक्वेशन इन द गिवन टेबल आपके पास नीचे दी गई टेबल में कुछ इक्वेशंस हैं फॉर एग्जांपल इक्वेशंस विच आर इन लीनियर फॉर्म यहाँ पर वो इक्वेशंस हैं जो लीनियर फॉर्म में हैं फॉर एग्जांपल नाइन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू सेवन एक्स प्लस एट देखिए ये दोनों इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में हैं लीनियर का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं और जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म्स भी होती हैं तो यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है आपको वह लीनियर फॉर्म में है नाइन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू सेवन एक्स प्लस एट सेकेंड एग्जाम्पल टू एक्स प्लस थ्री थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस नाइन तो देखिए इसमें वेरिएबल्स भी हैं कॉन्सटेंट टर्म्स भी हैं तो यह, यह दोनों इक्वेशंस कैसी हैं लीनियर फॉर्म में हैं नाउ इक्वेशंस विच आर नॉट इन लीनियर फॉर्म्स यहाँ पर कुछ इक्वेशंस ऐसी दी गई हैं जो कि लीनियर फॉर्म में नहीं हैं फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस सेवन बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री बाय फॉर्म इस इक्वेशन को हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है बट ये वाली इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है नेक्स्ट एग्जाम्पल इज थ्री एक्स प्लस एट डिवाइड बाय सेवन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू सेवन बाई एट यह इक्वेशन भी लीनियर नहीं है बल्कि इसे हमें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है सो डू यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशंस इन लीनियर फॉर्म एंड नॉट इन लीनियर फॉर्म तो यहाँ पर आपने डिफरेंस देखा कि इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में कैसी होती हैं और इक्वेशंस नॉट इन लीनियर फॉर्म कैसी होती हैं तो देखिए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें जो इक्वेशंस गिवन है वह लीनियर फॉर्म में नहीं है बल्कि हमें उन्हें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है सो so, नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन सोल् द इक्वेशन एक्स प्लस सेवन डिवाइड बाय एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री बाय फोर देखिए इस इक्वेशन को यदि हम देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि यह इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं है सो एक्स प्लस सेवन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री बाय फोर नाउ टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई सो पुट द क्रॉस साइन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फोर इंटू एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स प्लस टू नाउ लीनियर इक्वेशन अब देखिए ये दोनों इक्वेशन लीनियर बन चुकी हैं चलिए अब इन्हें सॉल्व करते हैं फोर को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए फोर एक्स प्लस फोर इंटू सेवन इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस थ्री इंटू टू फोर एक्स प्लस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सिक्स नाउ वेरिएबल्स एक तरफ रखिए कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक तरफ रखिए फोर एक्स ये थ्री एक्स देखिए इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा फोर एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट यहाँ प्लस का है तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा सो एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टू देन वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टू देखिए अब हम अपनी वेरीफिकेशन के लिए इसे चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है वह करेक्ट भी है या नहीं तो जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन गिवन है यदि उसके लेफ्ट साइड में हम एक्स की वैल्यू पुट करें जो कि हमारी कितनी निकली है माइनस ट्वेंटी टू और अगर हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाती है देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ़ एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टू इज़ राइट अदरवाइज इट इज़ रॉन्ग सो नाओ लेट्स डू वेरीफिकेशन नाव वेरीफाई द वैल्यू ऑफ एक्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स हमने यहाँ की लेफ्ट हैंड साइड उठाई और इसमें एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी एक्स प्लस सेवन अपोन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू बाय पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी टू प्लस सेवन डिवाइड बाय माइनस ट्वेंटी टू प्लस टू माइनस ट्वेंटी टू प्लस सेवन इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी टू प्लस टू इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी माइनस से माइनस कैंसिल ये दोनों टर्म्स फाइव से कैंसिल हो रही हैं फाइव थ्री ज फिफ्टीन फाइव फोर ज ट्वेंटी सो वी गेट थ्री बाई फोर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और उनका वेरीफिकेशन कर सकते हैं चलिए कुछ अब हम वर्ड प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को स्टडी करते हैं और उनके स्टेप्स को समझते हैं पहले स्टेप्स देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टेप्स हैं टिप्स फॉर सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं आपको चलिए स्टेप नंबर वन रीड द वर्ड प्रॉब्लम थ्री और फोर टाइम्स इन पार्ट्स जो वर्ड प्रॉब्लम आपको गिवन है उसे आप दो या तीन बार तीन से चार बार अच्छे से पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी कीजिए रीड कीजिए लेट द अननोन बी एक्स और अदर वेरिएबल्स उसके बाद जो हम नहीं जानते जो चीज़ हमें नहीं पता क्वेश्चन में या हम कह सकते हैं कि जो चीज़ हमें फ़ाइंड आउट करनी है उसको आप एक्स लेट कीजिए या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल आप उसे तो, मतलब लेट कर सकते हैं मान सकते हैं नाउ राइट गिवन रिलेशन स्टेप बाय स्टेप उसके बाद इक्वलिटी से रिलेशन्स को सॉल्व करते चलिए स्टेप बाय स्टेप लास्ट में इन द लास्ट सॉल्व द इक्वेशन फिर उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कीजिए चलिए देखिए अब हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है उसे स्टडी करें क्वेश्चन नंबर टू ए नंबर हुज सेवंथ पार्ट एक्सीड्स इट्स एथ पार्ट बाय वन देखिए इसने कहा क्या कहा है पहले क्वेश्चन को समझिए ए नंबर एक नंबर हुज सेवन्थ पार्ट जिसका सेवंथ पार्ट सेवन्थ पार्ट का मतलब अगर मान लो आपके पास कोई वैल्यू है अगर हम कह दें सेवन्थ तो उसका सेवन्थ पार्ट क्या बनेगा जब हम उसको सेवन से डिवाइड करेंगे तो ये उसका सेवन्थ पार्ट हो जाएगा तो उसका सेवन्थ पार्ट मतलब अगर नंबर आपके पास एक्स है तो उसका सेवन्थ पार्ट होगा एक्स बाय सेवन एक्सीड्स एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा इट्स एर्ट पार्ट उसके एर्ट्थ पार्ट से वन ज़्यादा है तो एर्ट पार्ट का मतलब एक्स बाय एट सेवन्थ पार्ट का मतलब एक्स बाय सेवन और नंबर को हमने लेट कर लिया एक्स तो लेट द नंबर एक्स सेवन्थ पार्ट ऑफ इट्स एक्स बाय सेवन एट्थ पार्ट ऑफ द नंबर इज एक्स माइनस एट अब उसने कहा है कि इन दोनों में एक का डिफरेंस है क्योंकि उसने क्या कहा सेवन्थ पार्ट एथ पार्ट से वन ज्यादा है दैट मीन्स एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू वन ए टी क्यों का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है कि सेवन्थ पार्ट माइनस एट्थ पार्ट इज इक्वल टू वन सो एक्स माइनस सेवन एक्स बाय सेवन माइनस एक्स बायट इज इक्वल टू वन नाउ टेकिंग एल्सियम एलसीएम इज़ फिफ्टी सिक्स देन एट एक्स माइनस सेवन एक्स इज इक्वल टू वन एक्स बाई फिफ्टी सिक्स इज इक्वल टू वन एक्स इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स सो एक्स इज टू फिफ्टी सिक्स यही हमें फाइंड आउट करना था देखिए लेट द नंबर हमें नंबर निकालना था जो कि एक्स हमने सपोज किया था सो रिक्वायर्ड नंबर इज़ फिफ्टी सिक्स तो इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं नाउ लेट्स ट्राई दीज क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर वन टू एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री बाय सेवन देखिए ये इक्वेशन जो है वह लीनियर इक्वेशन में नहीं है तो पहले हम इसे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री बाय सेवन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेवन इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू फोर एक्स माइनस फाइव अब ये लीनियर इक्वेशन में है नाउ सॉल्व इट सेवन को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए फोर्टीन एक्स माइन प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स माइनस फिफ्टीन नाव वेरिएबल्स को एक तरफ कीजिए और कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक तरफ कीजिए फोर्टीन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी वन देन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस थर्टी सिक्स एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस थर्टी सिक्स डिवाइड बाई टू विच इज इक्वल टू माइनस एटीन नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव एक्स माइनस फोर अपॉन थ्री एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू वन टू फर्स्ट स्टेप क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए टू इंटू फाइव एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू वन इंटू थ्री एक्स प्लस सेवन मल्टीप्लाई कीजिए अंदर फाइव टू ज टेन एक्स माइनस टू फोर ज़ा एट इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सेवन नाउ सेपरेट वेरिएबल्स एंड कॉन्सटेंट्स टेन एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू सेवन प्लस एट सेवन एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन सो एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन बाय सेवन नाउ थर्ड क्वेश्चन वाई अपोन वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन बाई एट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट स्टेप है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो क्रॉस मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू एट वाई एंड सेवन मल्टीप्लाई वाई प्लस थ्री नाउ सॉल्व दिस एट वाई इज इक्वल टू सेवन वाई प्लस ट्वेंटी वन सेपरेट वेरिएबल्स एट वाई माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी वन सो वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी वन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर जेड प्लस फोर डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू फाइव देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है दैट मीन्स हम वन स्पोज कर सकते हैं सो क्रॉस मल्टीप्लाई जेड प्लस फोर मल्टीप्लाई वन एंड फाइव मल्टीप्लाई जेड नाउ जेड प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव जेड फाइव जेड इधर आके माइनस का हो जाएगा सो जेड माइनस फाइव जेड इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस फोर जेड इज इक्वल टू माइनस फोर जेड इज इक्वल टू माइनस फोर बाय माइनस फोर सो जेड इज इक्वल टू वन नाउ क्वेश्चन नंबर टू वर्ड प्रॉब्लम इफ टू बाय थ्री ऑफ ए नंबर इज थर्टी लेस देन द ओरिजिनल नंबर देखिए क्या कहा है उसने टू बाय थ्री ऑफ ए नंबर एक नंबर का टू बाय थ्री इज थर्टी लेस देन द ओरिजिनल नंबर किसी नंबर का टू बाय थ्री थर्टी कम है किससे उसके ओरिजिनल नंबर से तो यहाँ पर हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है फाइंड द नंबर तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल नंबर को एक्सपोज करना पड़ेगा सो लेट ओरिजिनल नंबर बी एक्स अब इसका टू बाय थ्री क्या बनेगा टू बाय थ्री एक्स अब उसने कहा है कि टू बाय थ्री ऑफ ए नंबर नंबर का टू बाय थ्री उससे थर्टी कम है किससे ओरिजिनल नंबर से सो एक्स माइनस टू बाय थ्री एक्स इज इक्वल टू थर्टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ टेकिंग एलसीएम एक्स बाय वन माइनस टू बाय थ्री एक्स इज इक्वल टू थर्टी सो थ्री एक्स माइनस टू एक्स डिवाइड बाय थ्री इज वल टू थर्टी x बाई थ्री इज इक्वल टू थर्टी सो क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट x इज इक्वल टू नाइनटी तो हमने ओरिजिनल नंबर को एक्सपोज किया था तो so, हमारे पास नंबर क्या निकल के आया है नाइन्टी नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड वन सिक्स ऑफ ए नंबर वेन सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम द नंबर इट सेल्फ गिवस ट्वेंटी फाइव दैन फाइंड द नंबर देखिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को वन सिक्स ऑफ ए नंबर एक नंबर का वन सिक्स वेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर को यदि हम किसी नंबर के वन सिक्स को नंबर में से सब्टेक्ट करते हैं तो हमें ट्वेंटी फाइव मिलता है तो नंबर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है हम उसे ही लेट कर लेते हैं सो लेट नंबर भी एक्स नाउ वन सिक्स इस नंबर का वन सिक्स क्या होगा वन बाय सिक्स एक्स अब दोनों का डिफरेंस आपको कितना दे रहा है ट्वेंटी फाइव तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा एक्स माइनस वन बाय सिक्स एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पर x के नीचे कुछ नहीं है तो हम वन लिख सकते हैं x बाय वन माइनस वन बाय सिक्स एक्स इज ईक्ल टू ट्वेंटी फाइव नाउ टेकिंग एल्सियम सिक्स एक्स माइनस एक्स अपॉन सिक्स इज ईक्वल टू ट्वेंटी फाइव फाइव एक्स बाय सिक्स इज ईक्वल टू ट्वेंटी फाइव अपॉन वन नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फ़ाइव एक्स इज ईक्ल टू ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई सिक्स एक्स इज ईक्वल टू ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई सिक्स अपन फाइव फाइव से फाइव कैंसिल फाइव से ट्वेंटी फाइव कैंसिल फ़ाइव पर सो फाइव मल्टीप्लाई सिक्स इज ईक्वल टू थर्टी अब ये क्या निकला है नंबर क्योंकि हमने नंबर को सपोज किया था एक्स तो हमारे पास नंबर कितना निकल के आया है थर्टी तो इस तरह से हम कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझकर सॉल्व कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन उम्मीद है आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग हैवे नाइस डे